हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू Aliceblue। दिस इज़ दीपेन गोगोई। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे MCX की। देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन सा MCX कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, लीड, जिंक। तो पहले आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल हमें ऑलरेडी कल ही बाय पोजिशन मिल गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे हमें बाय, ये कैंडल ने हमें बाय सिग्नल दिया था, तो ऑलरेडी बाय मिल गया था यहाँ से। और आज देख सकते हैं ये गैप अप ओपन हुआ है, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ओपन हो गया, तो एक रेजिस्टेंस लाइन का ऊपर में ही है। तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट तो फिर से नीचे आ जाता है, राइट। तो अगर इसको नीचे आना है तो हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं हिकेनिसी और मूविंग एवरेज भी लगा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनकेस मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ से हम बाय ले सकते हैं ऊपर के लिए, राइट। और अगर कभी कभी क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू हो जाता है, जैसे ऊपर चला जाता है, तो इसलिए हमें बाय लेना है, तो इसका ऊपर में बाय लेना है। जैसे आज ओपनिंग हुआ था तो हाई गया था, हाई का ऊपर में ही बाय लेना है, क्योंकि ये अभी अप ट्रेंड प्लेस हुआ है छोटा टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हैं 15 मिनट में। तो इसमें यहाँ पे बाय लेना है। तो इन केस अगर ये मार्केट नीचे आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको सेल लेना है जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होगा, जैसे ये 20 मूविंग एवरेज और 5 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, इसमें हम सेल जा सकता है। ये क्रूड ऑयल का हो गया। तो अगर हम देखेंगे अभी जिंक, तो जिंक देख सकते हैं, जिंक भी हमें कल बाय सिग्नल मिल गया था यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये कैंडल में हमें बाय सिग्नल मिला, तो यहाँ से हम बाय जा सकता था। तो और आज हमें सेल लेना है, तो ये जो 220 मूविंग एवरेज है और ये 5 मूविंग एवरेज है, 22 मूविंग एवरेज या 20 मूविंग एवरेज, कोई कोई 22 और 20 मूविंग एवरेज लेता है। तो इसको क्रॉस ओवर जब होगा तो कैंडल जो क्लोज करेगा उसका नीचे में हम सेल जाएंगे, और टारगेट रहेगा ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन का आसपास टारगेट रहेगा, अराउंड 170-180 में ये हमारा टारगेट होगा जिंक का। तो हम लीड भी देख सकते हैं यहाँ पे, लीड मार्केट टोटली शॉपी है, तो इसमें ज़्यादा सी आपको ट्रेड मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। और देखेंगे गोल्ड, तो गोल्ड आप देख सकते हैं, गोल्ड डेली में देखेंगे तो गोल्ड कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। तो कल आपको मैंने बताया था गोल्ड, तो ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ नीचे में आप बाय मत लीजिए यहाँ पे, तो इसको ब्रेकआउट करना दीजिए। तो यहाँ से क्या होता है, फ्यूचर मार्केट नीचे आने का चांसेस रहता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे, हमें रेजिस्टेंस लाइन है ना, इसका नीचे हम सेल लेना चाहिए रहेगा। तो सेल लेंगे तो कहाँ पे हम सेल लेंगे, तो इसलिए हमें देखेंगे 15 मिनट में। आप 15 मिनट देख सकते हैं ये, तो 15 मिनट में अगर ये 200 का नीचे क्लोज हो गया तो इसमें सेल अब जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।